मध्य प्रदेश में पिछले दिनों इंदौर और उज्जैन का नाम सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित के चलते सुर्खियों में रहा था। अब इसका एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुलासा किया है कि इंदौर में कोरोना दुबई से आया था और उसके बाद उज्जैन में भी कोरोना इंदौर के जरिए फैला। इस बड़े खुलासे के बाद उन्होंने यह भी बताया कि कमलनाथ सरकार ने इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया था। और 10 बजे रात को 23 तारीख को सबसे पहली बैठक अगर कोई शिवराज सिंह चौहान ने ली तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की। उसके पहले की सरकार में आलोचना कर रहे, ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में उसके पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कोरोना अगर इंदौर में नहीं आया होता उस दुबई वाली फ्लाइट से जमाती से तो शायद मध्य प्रदेश में इतना भयावह नहीं होता। इंदौर से ही भोपाल में आया, इंदौर से ही बाकी के मध्य प्रदेश चाहे वो उज्जैन हो चाहे खंडवा हो बुरहानपुर हो यहां तक कि हमारे डबरा तक में अगर गया तो इंदौर से ही गया। लेकिन वास्तव में और धन्यवाद और साधुवाद गोयनका जी जिन्होंने नई थेरेपी ईजाद कर दी। एक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं ना सर, एक नई थेरेपी। मैंने तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में हम कॉन्फ्रेंस में जुड़े तब मैंने चिरायु का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अंदर उस थेरेपी को ले जाओ। वो दिन तक एक भी मौत नहीं की और वास्तव में यार रिफर ही ऐसे लोग हो रहे थे जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाते थे, लेकिन उस थेरेपी के माध्यम से एक दिशा देने का भी काम मध्य प्रदेश के चिरायु ने हिंदुस्तान की इस पद्धति को भी किया, एक नई पद्धति। एक और बात जो नीचे से अभी आप ही ने शायद सबसे पहले कही थी कि जो प्लेन मिलता था वो इसलिए मिला चिरायु होम्योपैथी एलोपैथी इन सबसे ऊपर है सिंपैथी, और जो सिंपैथी या चिरायु में लोगों को मिलने की लोग ठीक होके जा रहे थे वो वास्तव में अनुकरणीय है। मैं नहीं कहता कि किसी को कभी अस्पताल आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि कोई बीमार ना भी हो, लेकिन अगर आते हैं तो चिरायु में ऐसी व्यवस्था हो ये जरूर मैं इस स्वास्थ्य मंत्री के नाते आज सबको संदेश भी देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था होनी ही चाहिए कि पेशेंट को अपना पद प्रतीत हो। हमारे यहाँ इसीलिए तो नर्स को नर्स नहीं बोलते सिस्टर बोलते, यही तो संस्कृति की बात है कि बहन जैसी चिंता करने वाली अगर कोई है तो वो सिस्टर है, उसको नर्स बोलती नहीं है आपके उसको सिस्टर बोलने लगे, यही संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना है, आखिर यही पद्धति को भी आगे बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अंगीकार किया जिन्होंने स्वीकार किया वह करोना आएंगे, ये करोना सिर्फ शहरों में ही रह गया गाँव में नहीं गया, क्योंकि दरवाजा गोबर से लिपा जाता है, घर के अंदर घुसने के पहले जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं और घर के बाहर लोग हाथ पैर धोकर ही जाते हैं, और आज भी यही कहा जा रहा है पर्दा पर्दा की तरह आज जब वातावरण शुद्ध हुआ प्रदूषण से तो चेहरे पे मास्क लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें उस सभ्यता और संस्कृति को छोड़ने की कोशिश करी, हम घर के अंदर वैसे ही चले जाते हैं, हम रात देर रात भोजन करते हैं, अरे उस संस्कृति को अपनाओ, नहीं होगा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, रोग रोधक शक्ति आपकी मजबूत रहेगी। हमारे यहाँ कहते हैं सावन ग्यालू कदम न कीजिए भादो ग्यालू जब तक कीजिए, ग्वार मास के दो पखवारे चतन चतन से काटो प्यारे आधे कार्तिक आई दिवाली फुर्सत फुर्सत करो प्यारे। अब ये इसलिए कहा गया कि देर रात का भोजन मत करो, आप अंतव करो, अंतव करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, इस संस्कृति को अपनाओ। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 करोड़ पैकेट काढ़ा के बांट दिए कि चाय से ज्यादा काढ़े को तवज्जो दो, आदिकाल से भी हमारे यहाँ तुलसी काली मिर्च का काढ़ा गाँव के हमारे बुजुर्ग पी जाए, आप भी पियो, अपने सिस्टम को मजबूत करो। आप आज कोरोना से ठीक होके जा रहे हैं, आप ये मत मानिए कि आप ठीक हो गए, आपको समाज की मानसिकता को भी ठीक करना है, आज के बाद समाज के अंदर जाके और जो 1000 लोग डॉक्टर साहब की चिरायु से ठीक होकर गए, मेरी प्रार्थना डॉक्टर गोयनका से कि वो 1000 लोगों के नंबर आपके पास में होंगे, आपका एक व्यक्ति टेलीफोन पर बैठे और उनको प्रतिदिन एक फोन किए रहे कि
आप लोग अपने मोहल्ले पूरा पड़ोस में अपने रिश्तेदार नातेदार को फोन से बताएं कि कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। इसे सावधानी बरते, इसके कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश करें, पर डरे घबराए नहीं। और जो लोग घबरा गए और जो लोग मानसिक रूप से डर गए, उनके डर को निकालने का काम अगर ये कोरोना के योद्धा करेंगे, जो चिरायु से ठीक होके गए, तो समाज के अंदर ये मिसाल भी बनेंगे और समाज के लिए इनका योगदान भी कहलाएगा कि इन्होंने समाज के अंदर एक अज्ञात आशंका से ग्रसित जो देश हो गया है, ये अज्ञात आशंका से ग्रसित जो विश्व हो गया है, उस विश्व को मार्गदर्शन देने का काम सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है तो ये कोरोना से पीड़ित हमारे चिकित्सक जो आपने ठीक करके भेजे हैं, वो ही कर सकते हैं। डॉक्टर गोयनका जी और खासकर नीलम भाभी, आप दोनों का और आपके चिकित्सीय स्टाफ का, अस्पताल के सभी डॉक्टर का, नर्सों का, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में, इस आपत्ति की घड़ी में आपने जो संबल चिरायु के रूप में दिया, मुझे नहीं पता डॉक्टर क्यों आपने इसका नाम चिरायु रखा था, लेकिन चिर आयु का आशीर्वाद इस चिरायु ने दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज, अंतरराष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा, लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।